15 मिनट लिए स्वागत समारोह में। बिल्कुल, मैं भी बार बार धन्यवाद, मैं भी 2 मिनट लूंगा। एक बच्चा है हमारे अखाड़े में शामिल होना चाहता है, हमारे किशन गुरु जी का शिष्य बनना चाहता है, केवल पगड़ी समारोह 2 मिनट की और उसके बाद में गाना चालू। किशन गुरु आए और भैया आए, बंद करके भैया ने। देखिए ये बच्चा कोटा का रहने वाला है, कोटा के पास गांव है पदू, पदू पदू का रहने वाला है, इसका नाम है दिलीप, और ये आज से लाला खिच्चोमल के अखाड़े में सागर हो गया है। जितना भी हम जानते हैं उतना सिखाने की कोशिश करेंगे, वायदा करते हैं। और इस बच्चे से कहना ये है, बेटा कुआ प्यासे के पास चल के नहीं जाता है, प्यासे को कुआ के पास चल के आना पड़ता है, इस बात को जरूर ध्यान रखना। तुम हमारे पास आओगे जाओगे, रसियों में चलोगे तो कुछ सीखोगे। बेटा ये तो छोटे गुरु का दादा है। तो इसके साथ ही आप अपना प्रोग्राम सुने हमारा। मैं अपनी तरफ से अपने भाई रामवीर जी को बुलाना चाहता हूँ मंच पे, एक मिनट के लिए मंच पे आए। चले आओ, ये बच्चा आदरणीय किशन जी के अखाड़े में आज शामिल हुआ है। बेशक हम लोग प्रतियोगी हैं, एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हैं, लेकिन जब कोई बच्चा आया है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस अखाड़े में आया है, वो रसियाबाजी का सदस्य बना है। तो मैं पूरे अखाड़े की तरफ से इस बच्चे को शुभकामना देता हूं कि अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का, गुरुओं का नाम रोशन करे। इसी उम्मीद के साथ बेटा उज्जवल भविष्य की कामना। हेलो,
हाँ जी हेलो, अब आइए आप रसियाबाजी की तरफ। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, हेलो, ठंड को छोड़ते हुए गर्मी लाओ। बहुत बढ़िया, अभी आपने नंबर सुना। हाँ सुना भी देखा भी। विप्र अखाड़े वालों की तरफ से, भाई रामवीर जी की तरफ से, बिल्कुल मैंने एक छंद गाया था और चार अंतरा में मैंने चरण धोते हुए दिखाए थे और चरण धोकर के उनको कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ। तो भाई साहब कितना बढ़िया जवाब लेकर के आ रहे हैं। बताओ बताओ कि देवी भागवत का पुराण, देवी भागवत पुराण का लेख है, माता आदि शक्ति के चरण धोए थे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने। प्रमाण दिखा सकते हो कि चरण धोए थे? नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे ही जब जबरदस्ती ठूंसा है। जबरन मत करो, जब हम बात को मानते हैं तो तुम्हें भी मानना चाहिए। बुढ़ाना पान पान सौ के दिख रहे हैं ताई ताई दो ने। न तो छंद का रामीर भाई, अपने मन में सोचते रहो, छंद का जवाब नहीं हुआ है। रामीर भैया मैं ना मरी जा रही, तुम्हारी लंकी मरी जा रही है, क्योंकि मैं या तो बटवाद हो तो तुम्हारे ना बटवाद ना हो तो कमी नहीं, बहुत अच्छी बात है। रुक जा बेटा, तभी तो ना कुछ सीख रही वो। बेटा इनके हिसाब किताब है, पहचान कर तो बात करेगा जो आदमी, तो टाइम खर्च है जाएगा। हाँ जी, मैंने एक टुकड़ा गाया था आपके सामने, पल पल पूछे आप ना सुर दहलाते और जिंदा जो होते मेरे बाप ससुर को कहलाते। तीन तीन काफिया पड़े हुए हैं मेरी इस टुकड़ी में। बिल्कुल, पहले आप और बाप, नासुर सहलाते और ससुर कहलाते। मैंने कहा था कि एक लड़की है वो समाधि के पास में रो रही है, और भाई साहब कह रहे हैं कि वो दो लड़की मां। एक कौन सी भाई बताओ, उसे लागी ठंड। एक है ना के गांव में तो भेजी गई, वो ठंड पड़ रही, उसे लाओ पहले। जब जवाब पैदा नहीं होता है तो मन ग्रंथ कहानी बनाते हैं लोग। चार कंकड़ी गढ़वा धरम, दस कंकड़ी कमंडलम, घास फूस नदी नलम, चूतल नगर तुम संबंध। रही बात, आपने गीत बहुत बढ़िया गाया है और हमसे कहा है कि रुक्मणी का जवाब आना चाहिए भगवान कन्हैया के लिए, तो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि रुक्मणी का जवाब कन्हैया के लिए हो जाए, और जवाब भी ऐसा होना चाहिए कि ईंट का जवाब पत्थर से हो जाए। हाँ सर, एक एलमदारी डाल के गए दोहा में। हाँ बेटा, भरे गागर जिया खिले, भरे गागर जिया खिले और भव सागर जल में खिले। दो बात थी, अब मेरी तरफ से किशन गुरु की कविता सुनो। अरे सागर में, अरे सागर में गागर, अरे सागर गागर में झिले के, ये सागर गागर में खिले, अरे सागर गागर में झिले झिले। सब भैया लिखना, नोट करना, के सागर गागर में झिले और ज्ञान को हो पड़ो, और ज्ञान को हो पड़ो, अरे वो नट नागर में जा मिले, अरे नट नागर में जा मिले,
गोता। और जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं, इस बात को गलत साबित नहीं कर सकते हो तुम। और लल्लू राम उस्ताद, नई भाव संतापा है और मल मल धोए चरण की सेवा, पर नहीं राजा खापा है। मल मल धोए तो मैं भी अपनी लकीर से पीछे हटूंगा नहीं। ना बिल्कुल नहीं। तुमने गीत गाया और धुन बजा मासा, ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने। भैया सामने आ रहे हो, ए भैया धा साज वाले हट गए, पल पल दिल के पास तुम रहती हो और तुम भी स्वर से पद हो गए थे, मानो अन्यथा मत मानो। अब गीत क्या कहता है, तेरे लखन ने लखन तेरे लखन
ने बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। भैया राघव जी गीत आया, ओ रुकमणी डाली है बाधा, प्रेम साधना में डाली है बाधा, प्रेम साधना में डाली है बाधा। दुख से दुख यारी विपता की मारी, मेरी प्राणन प्यारी राधा, मेरी प्यारन प्यारी राधा। तो मेरा कहना है भैया रामीर, चाहे माखन चोर हो चाहे चित्त चोर हो, अरे चाहे माखन चोर हो चाहे चित्त चोर हो, समझा भैया जी, चाहे माखन चोर हो चाहे चित्त चोर हो, मेरे दाऊ भैया, अरे मेरे दाऊ बाबा के भैया बन जाइए, मेरे दाऊ बाबा के भैया बन जाइए, मेरे दाऊ बाबा के भैया बन जाइए। और जितने भी यहाँ महान भाव सुनने वाले विराजमान हैं, और मुझे विश्वास है ये लाइन आपको बढ़िया लगेगी, अगर बढ़िया लग जाए तो केवल आशीर्वाद चाहूंगा आपका। अरे मेरे दाऊ बाबा के भैया बन जाइए, अरे चरवैया कैया के नंद जसोदा मैया के गोकुल में आके कन्हैया बन जाइए, गोकुल में आके कन्हैया बन जाइए, गोकुल में आके कन्हैया बन जाइए, अरे गोकुल में आके कन्हैया बन जाइए। हाँ साहब, एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे, क्योंकि हम जैसे नातुच्छ कलाकारों का, वैसे हम कलाकारों का इनका स्वयं में सम्मान करना चाहिए, वैसे स्वयं में सम्मान करना चाहिए। मेरे पास तो आपके लिए शुभकामनाएं हैं, और आपका चैनल इसी प्रकार दिन उन्नति करता चला जाए भगवान से केवल यही आशा करता हूं। एक बार भैया के नाम की जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। अरे गोकुल में जाके कन्हैया बन जाइए, अरे गोकुल में जाके कन्हैया बन जाइए। कोई बकवास तो नहीं कर रहा हूं भैया, राधा के साथ में बंसी लेके हाथ में, अरे राधा के साथ में बंसी लेके हाथ में, तारा चंद भैया, अरे राधा के साथ में बंसी लेके हाथ में, अरे वृंदावन में रास के रचैया बन जाइए, वृंदावन में रास के रचैया बन जाइए, वृंदावन में रास के रचैया बन जाइए। और बढ़िया लग जाए तो तालियां, और कितनी सुंदर लाइन लिख दी, वृंदावन में रास के रचैया बन जाइए, आंसू बहे आ सके देख सूरदास के, और श्याम मेरी नैया के खेवैया बन जाइए, श्याम मेरी नैया के खेवैया बन जाइए। ओ रुकमणी, ओ रुकमणी है बाधा, ओ रुकमणी डाली है बाधा। अब देखिए, वैसे काफिया तो शेष छोड़े नहीं है, आप समझदार हैं, मगर एक काफिया बचा है। तो मेरा कहना है ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब की तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। अब रुकमणी क्या कहने लगी है कन्हैया से, क्या लल्लू राम उस्ताद, ओ सामरे ओ सामरे
पंथ साधा। तो कहना रामीर भाई मेरी राम दुहाई में समझ न पाई, मेरी राम दुहाई में समझ न पाई, मेरी राम दुहाई में समझ न पाई। और है प्यारा प्रेम अनाधा, अरे ओ सामरे सुगर पंथ सा। Da 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 da
सोई गाय दो छटपटो कह जावे संजय भैया भैया अब देखो छटपटो लेखन में तो ही होना चाहिए बिल्कुल व्यक्तिगत व्यक्तिगत किसी से होना नहीं चाहिए देख, 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 आ, हमने माना तुमने जाना क्या होता है दिल दीवाना होता है दिल दीवाना ओए क्या होता है दिल दीवाना दिल दीवाना दिल दीवाना क्या होला रंग बसंती अंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम आ गया। और आमिर भैया जो मैं गाने के लिए जा रहा हूं अपनी तरफ ना ले जाए इस बात को हम जिसे चढ़ा देते ही फिर हम जिसे चढ़ा देते ही फिर हम उसे गिराना जानते उसे गिराना जानते हैं कोई उसे गिराना जानते हैं। और ये फिर से 100 रुपए का पुरस्कार अंकल जी की तरफ से कि हम जिसे चढ़ा देते ही फिर हम उसे चढ़ाना उसे गिराना जानते ही अरे देते ही सहारा गिरते को सीने से लगाना जानते ही सीने से लगाना जानते हैं कोई सीने से लगाना जानते हैं। और आमिर भैया अरे करते ही बात जो बढ़ चढ़ कर उसे सबक सिखाना जानते हैं अच्छा जी हमारे शेर पाल भैया के बड़े भाई हैं भीमसेन भैया की तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार है एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। अरे सबक सिखाना जानते हैं और भैया तुम कह दे तो मैं कह दूं आमिर भैया हम सबक सिखाना जानते हैं एक सही बात हो तो ताली बजा के सबक सिखाना जानते ही अरे जो अपनी राह से भटक गया उसे राह दिखाना जानते ही। हनुमान बांध के रह जावे हाथ रस्ता के तुम्हारे सवरिया खड़े आए अरे रंग बसंती अरे रंग बसंती अंग बसंती और ढंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम आ गया। अब देखो रस कैसे बनेगो अरे मारूंगो तो तू घिस घिस के अरे मारूंगो मैं रामवीर भैया से ना कह रहा हूं भैया अपनी ओर ना ले जाए और मैं खोल करके बताऊंगा कि कौन किससे कह रहा है। अरे मारूंगो तो तू घिस घिस के और तोड़ू दांत तेरे बिस बिस के अरे मारूंगो तो तू घिस घिस के अरे तोड़ू दांत तेरे बिस बिस के घिस घिस के और बिस बिस के कविता देखना और मारूंगो तो तू घिस घिस के तोड़ू दांत तेरे बिस बिस के और लाल डसे तेने किस किस के अरे लाल डसे तेने किस किस के अरे चेहरा भी देखो अरे ये तन का कालिया अरे तन का कालिया अरे तेरा क्या हो गया अरे कालिया ये तन का कालिया और ये मन का कालिया तन का कालिया
अपन का कालिया। अरे कालिया तेरा भी क्या होगा। हाँ जी संजय भैया। अरे मारूंगो तो कू घिस घिस के, तोड़ू दांत तेरे बिस बिस के, और लाल डसे तेरे किस किस के। और भैया सामने बारे हो सोलो में ते हाथ न निकाल लो ना भैया। देख तन का कालिया ये मन का कालिया, उन्हें का आनंद आ जाए तो तालिया। तन का कालिया ये मन का कालिया, तज दे सीमा ब्रज धाम की, तज दे सीमा तू ब्रज धाम की, और तो बचो तज लेना घन श्याम की, तो बचो तज लेना घन श्याम की। अब आनंद आयो कल आयो भैया। पिंटू भैया किंदरपुरा पीटू भैया की तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार आया। एक बार जोरदार तालियां बजा दे भैया के सम्मान में। इस नंबर पे वो गीत गाऊंगा अभी तो थोड़ा सा टुकड़े में पब्लिक का मनोरंजन। फिर दोबारा से फरमाइश हुई है तो दोबारा से सुनो। अब इस बात को कौन कह रहा है? भगवान कन्हैया कालिया नाग से कहने लगे ही है? और मैंने तो तुमने कहा था कि रुक्मणी बन के जवाब देना, तो मैंने तो प्रयास किया भैया। अब तुम अपनी तरफ से भगवान कन्हैया के लिए कालिया ही बन करके जवाब देना। जय हो जय हो। मारूंगो तो कू घिस घिस के, मारूंगो तो कू घिस घिस के, तोड़ू दांत तेरे बिस बिस के, और लाल डसे तेने किस किस के। हाँ भैया एक बार जोरदार तालियां बजा हनुमान जी की। भाई जाने कब वो पुरस्कार ना दे, आज दे हो तो सही। अगर तुम जाके मना खफा करोगे तो तुम ही वो देवेगा। वास्तव में इतनी परमानंद आदमी है। देख अरे मारू वो तो कू घिस घिस के, तोड़ू दांत तेरे बिस बिस के, और अरे लाल डसे तेने किस किस के, अरे लाल डसे तेने किस किस के, और तन का कालिया, अरे तन का कालिया, तन का कालिया मन का कालिया, अरे तन का कालिया मन का कालिया। और हाथ उठा के बोलियो सवरे जने, अरे तज दे सीमा ब्रज धाम की, अरे तज दे सीमा तू ब्रज धाम की, तो बचो तज लेना घन श्याम की, तो बचो तज लेना घन श्याम की। ये थोड़ा सा आपने मांगा था उसके लिए अब क्या जवाब लेकर के आएंगे भैया? छंद सुनेंगे। हाँ जी। अरे सेना भेजी दुर्योधन संग, और इकले दये दिखाई है, और इकले दये दिखाई है, अरे वो पांचों
दीने चरण बुलाई है पाचो पांडव पांचाली ने। आग का सहारा न ले, जब जेऊ सुन रहे हैं और सबरे कलाकार गा रहे हैं तो मंचा सीन मंच पर ही आ जाए। हाँ, अपनी जगह पकड़ो। अरे हमारे और कैसी अब चेहरा पाए तारो कहो खिचो आके बारो कहो खिचो आके बारो कहो खिचो आते उस रसिया को सुन करके एक बहुत बढ़िया गीत। हाँ जी, रसिया बजा के ना सा। संजय भैया शेरपाल भैया कम से कम बहुत साल है गई वो क्या हूं कोई चक्कर न समझ में आए हो। रामीर भाई रास्ता से नहीं भटकेगा मुकेश, न कोई उल्टी बात करेगा। देख केरे जनता तीनों नशे नहीं है देख अनजान, तीनों से अनजान नहीं है जनता।
काफिया बोल चल रे जनता तीनों नशे नहीं है देख अनजान। अरे ये तेरे जनता की धोत रहे जनता की धोप तो सुनिए भैया जी बिन सेवा के वोट मिले ना। अरे बिन सेवा के वोट मिले ना। अरे बिन सेवा के वोट मिले ना। देखो रस बनायो जानतो ने करसिया बाजी में। अरे बिन सेवा के वोट मिले ना। अरे सबकी सुनना पानी। अरे बिन सेवा के वोट मिले ना। अरे सबकी सुनना पानी। और मुझे विश्वास है कि तुम सब ताली बजाओगे जालान पे। देख अरे सबकी सुनना पानी। सेवा करे सो मेवा खावे कहावत बड़ी पुरानी। अरे कहावत बड़ी पुरानी भैया। तेरे ओम प्रकाश जी देखो जी जनता रखेंगे सम्मान। अरे ये ते जनता की धोत रहे। अरे डोरी लाल ने व्रत लीनो। अरे डोरी लाल ने व्रत लीनो। कोई तो नौ दुर्गा को व्रत करतो है मगर हमारे डोरी लाल भैया क्या कर रहे हैं। अरे डोरी लाल ने व्रत लीनो। काहे को सेवा हम खूब करेंगे। अरे डोरी लाल ने व्रत करेंगे। और सेवा कस कस करेंगे। अरे जो जो काम पड़े अधूरे करे पूरे नहीं करेंगे। अरे पूरे नहीं करेंगे भैया। अरे पूरे नहीं करेंगे। अरे ये ते जनता की धो रहे। और 100 रुपए का पुरस्कार फिर से भैया की तरफ से मैं बार बार नमन करता हूं। एक नाम और। अरे रविंद्र पहलवान। रविंद्र पहलवान ने अपने मन में देखो व्रत धारा। अरे रविंद्र पहलवान ने अपने मन में व्रत को धारा। क्या धारा। जनता के ही लिए बना है मेरा ये जीवन सारा। अरे मेरा जीवन सारा भैया। मेरा जीवन सारा। जनता के लिए बना
बारे रीछ अरे रविंद्र पहलवान ने अपने और मन में ये व्रत धारा अरे मन में ये व्रत धारा अरे जनता के ही लिए बना है मेरा ये जीवन सारा मेरा जीवन सारा अब तक का हिसाब किताब बराबर एक गीत और देखे और धुन बजाएंगे मास्टर साहब मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता जय हो मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता शेरपाल भैया अगर तू भा कछू ना कछू तो दे ही रहे हुए आशीर्वाद दे रहा है हमारा बड़ा भाई है अपनी दुआ दे रहा है परमहंस आदमी है अगर तू भो अगर तू भा नहीं उठता के नारा मिल ये 100 रुपए का पुरस्कार इन तो अभी पे साबित कर दे डोरी लाल प्रधान जी बैठ जा भैया ले दो अब नाम भाई साहब बैठ के 100 रुपए का पुरस्कार दिया है बार बार धन्यवाद है
तारा चंद भैया एक मिनट के लिए एक मंच पे आ जाओ, मैं आ जाओ, मैं कुर्सी छोड़ के जे काबू की सगी ना रही तुम क्या मंच पे आओ, खड़े आ जाओ ना कहीं, अरे खड़े आ जाओ ना, सुन ले करो, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। उन्होंने कहा हाथ निकालो तो नहीं ठंडना, डॉक्टर साहब जिगरी दोस्त हो तुम दोनों, देख अनीति महाभारत में शब्दों में बोला, सोने सारथी स्वार्थ छोड़ो वो इन शब्दों को बोला। भैया गीत को सुनना ध्यान पूर्वक, तो मेरा कहना है समय से कर समर की शाम का सूरज ढल गया होता, अरे समय से कर समर की शाम का सूरज ढल गया होता। तो कहना है अगर चैत्रथ भैया की तरफ से बार बार धन्यवाद है, और हमारे बड़े भैया चारा तारा चंद जी की तरफ से पुरस्कार आया बच्चे के लिए, मैं बार बार आशीर्वादित कामना करूंगा। समय से कर समर की शाम का सूरज ढल गया होता। तो खलीफा जी अगर चैत्रथ नहीं मरता तो ये अर्जुन चल समाधि तैयार कर ली, अगर ये जयद्रथ नहीं मरा तो मैं समाधि ले लूंगा। तो कहना है चिता चुननी थी अर्जुन ने, चिता चुननी थी अर्जुन ने, चिता चुननी थी अर्जुन ने, मरूंगा सुदर्शन से ढका सूरज, सुदर्शन से ढका सूरज, समस्या थी वहां हल कर। तो संजय भैया मेरा कहना है अरे अगर श्री कृष्ण के द्वारा किया, अगर श्री कृष्ण के द्वारा किया ना छल गया होता।
अगर श्री कृष्ण के द्वारा किया ना छल अगर होता, अरे अगर जयद्रथ, अगर जयद्रथ नहीं मरता तो ये अर्जुन जल गया होता। अगर रण में अर्जुन और वो सारा दल गया होता, अगर रण में वो अर्जुन और वो सारा दल गया होता, अगर जयद्रथ, अगर जयद्रथ, अगर जयद्रथ नहीं मरता तो ये अर्जुन जल गया होता। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जी की तरफ से, धनौली वालों की तरफ से मैं बार बार नमन करता हूं। अशोक दादा की तरफ से ये नोटों की बौछार हुई है। रामी की गड़ी के निवासी हैं, बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। आगे कहना है, भीष्म ने पांडवों को मारन, भीष्म ने पांडवों को मारन किया था, भीष्म ने एक ललक तो आ जाए, भीष्म ने पंडन को मारने का प्रण किया था देख रंग में, भीष्म ने पंडन को मारने किया था प्रण देखो रण में, और खासा किया था प्रण ये देखो रण में, युद्ध एक तरफा हो जाता, युद्ध एक तरफा हो जाता, हो जाता रे हो जाता, युद्ध एक तरफा हो जाता, महाभारत का एक क्षण में। तो इसीलिए कहा गया, अगर भीष्म, अगर भीष्म पितामह का किया प्रण पल गया होता, अगर भीष्म पितामह का किया प्रण पल गया होता, अगर जयद्रथ, अगर जयद्रथ नहीं मरता तो ये अर्जुन जल गया होता। सब
भाइयों के गाने के हिसाब किताब अलग अलग होते हैं। हम गा रहे हैं अपने अंदाज में गाते हैं, हमारे रामवीर भाई गाते हैं वो अपने अंदाज में गाते हैं। अब लास्ट वन, छत्र की छाओ सेवा में, छत्र की छाओ सेवा में, ताराचंद भैया तात तुम पाए दे दे दे, तात दे दे पाए दे दे। अब एंड की लाइन बोल रहा हूं, अगर मेरा गीत समझ में आया हो तो तालियां अवश्य पूरी जनता की होनी चाहिए। हाँ, छत्र की छाव सेवा में, तात तुम पाते देते, पांडु के पुत्रों को राजन, पांडु के पुत्रों को राजन, पांच ही गांव दे दे, पांडु के पुत्र को राजन, पांच ही गांव दे विजय होती किसन अपनी, विजय होती किसन अपनी, महाभारत टल गया होता, विजय होती किसन अपनी, महाभारत टल गया होता, अगर जयद्रथ नहीं मरता तो ये अर्जुन जल गया। बार बार धन्यवाद है सभी भाइयों के लिए, और आ रहे हैं भाई रामवीर जी।